वर्कआउट से पहले थोड़ा सा कार्ब्स ले लोगे ना। तो गाइस अब अपने टाइम हो चुका है जिम जाने का, और आप लोगों को जैसे पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी ज्यादा हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, और इस स्वेटिंग से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि इचिंग एंड रैशेस, और स्पेशली उन एरिया में जहां पे ज्यादा पसीना आता है। इसलिए मैं नहाने के बाद अपनी स्किन पे सबसे पहली चीज जो अप्लाई करता हूँ वो है एब्जॉर्ब का डस्टिंग पाउडर। इस पाउडर में टैल्क एंड स्टार्च का कॉम्बिनेशन है जो पसीना सोखने में बहुत हेल्प करता है। इसको आपने वहां पे अप्लाई करना है जहां पे आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पसीना आता हो, लाइक अंडर आर्म्स, पैरों की उंगली के बीच और ग्रोइन एरिया। उन एरियाज को अच्छे से क्लीन करके नहाने के बाद या बाहर निकलने से पहले अप्लाई करना है। ऑल राइट गाइज, ये आपको कहीं भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, क्योंकि तुम्हारा फायदा चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके बाय कर। स्वागत आप सभी की चैनल फिटमान जी व्लॉग्स पे। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं अपने शूट की तरफ, आज आदि के साथ शूट है वर्कआउट वीडियो। आप लोग बोलते रहते हो कि भाई वर्कआउट वीडियो नहीं निकालते, तो भाई आज स्पेशली आप लोगों के लिए वर्कआउट वीडियो एंड फिजिक अपडेट वगैरह सब आप बताने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं पार्किंग और गाड़ी उठाते हैं, सारी चीज मैं वहां बताऊंगा आपको। तो भाई मैं सोच रहा हूं उससे पहले अपनी ब्राउन ब्रेड खा लेता हूं एंड उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि सुबह आज हम जल्दी निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम हो चुका है 9:10, 12 मिनट जो भी है, और उसके बाद ये खाएंगे और निकलेंगे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई अपना ब्रेड खत्म हुई नहीं है, खाते खाते आ गए हम पार्किंग में, गाड़ी खटी है, जतिन खड़े हैं और हमारे साथ जा रही है कल्पना आज, क्योंकि ये बोली कि वहीं उस साइड जा रहा था, मेरे को भी छोड़ दे जाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ड्राइव कर रही है कल्पना एंड जतिन और हम पीछे बैठे हैं हमारे डेस्टिनेशन। कितनी देर में, मतलब मैं आगे बैठा हूँ जतिन पीछे बैठा है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे अपन? 23 मिनट में पहुंच जाएंगे, और यहाँ से मेट्रो पकड़ लेगी और हम अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो भाई अब कल्पना के जाने का समय हो गया। अबे साले तू जाओ, बहुत जल्दी जा रही है साले तू, गंदी चल जा, भाग जा। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं हमसे पहले। राम राम मेरे भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, इधर भी ब्लॉग उधर भी ब्लॉग। तो गाइज ये है शिवानी, इनको आप जानते ही होंगे, बहुत पुरानी एथलीट है, और ये हमारे आदि भाई। तो आज क्या करने वाले भाई? आज लेग्स पे वर्कआउट करेंगे, तगड़े तरीके लेग्स करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लेग्स पसंद है और भाई को भी पसंद है वैसे लेग्स, समझ रहे हो? एब्स पसंद है इनको ज्यादा, इतने बिजी पर्सन है, पिछले एक हफ्ते से टाइम मांग रहा हूं कि बहन टाइम दे दो। ये ना बड़े लोग हो जाते हैं ना, तो ऐसे हो जाते हैं। तो नहीं है, लेकिन वो सच में भी रहती है। तो आज फाइनली पकड़ लिया हमने शिवानी। तो आज करेंगे जबरदस्त बहुत ही बेकार है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ी बहुत। अभी हमने लगाया बाम, क्योंकि इससे पूरी गर्मी हीट बन जाती है बॉडी में, जब लगाते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत तगड़ा पंप आता है, ट्राई जरूर करना एक बार। और जलता बहुत है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जलता बहुत ज्यादा है, अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते तो आपको हालत खराब होने वाली पहली बारी में। अभी रील वगैरह शूट करनी है तो अभी नॉर्मल टी शर्ट पहनेंगे, साइज वाइज है नहीं, बट फिर भी थोड़ी मामला एक्सरसाइज हो जाएगी जितनी कर सकते हैं। तो अपना प्री वर्कआउट रेडी हो चुका है, आज करने वाला है इंटेंस वर्कआउट, जबरदस्त वर्कआउट एंड लेग वर्कआउट करने वाले हैं। प्री वर्कआउट जैसे कि यूजुअली मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है, अभी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि आज इंटेंस वर्कआउट करने वाले हैं मजेदार लेग्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. So guys, काफी टाइम के बाद थोड़ा सा हैवी ट्रेन कर रहे हैं। देखते हैं कितने रेपिटेशन निकलते हैं। ट्राई करेंगे सेल्फ निकाले सारे। Better me, better believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Last one, go. थोड़ा सा कार्ब्स ले लो ना तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है, और रात को इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिन खाते हैं, एनर्जी हमारे पास भरपूर रहती है। रात को नहीं, मैं सुबह बोल रहा हूँ, वर्कआउट से पहले थोड़ा सा कार्ब्स ले लोगे ना, उसके 2-3 घंटे बाद वर्कआउट करोगे तो इजीली आपका बढ़ जाएगा। Da 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 da
जैसे थोड़ी सी एनर्जी वेनर से हमारे अंदर थोड़ी कम सी लग रही है, हमने उतनी रिलैक्स करी जितनी हमें जरूरत थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा काब लोड करके ना मतलब खा के ना आया अच्छे से। एक तरीके से भाई भी अभी ऑफ पे चल रहे हैं, मैं भी ऑफ पे चल रहा हूँ, शिवानी मेरे ख्याल से ऑफ ही है, तो अभी नॉर्मल वर्कआउट चल रहा, ज्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं कर। और यहाँ पे हमारी रील स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए अभी करेंगे पोज। रिटेक हो गया क्या? उल्टा कैमरा करके शूट करना चाहिए सबको, देख सकते हो अच्छी शूट हो रही है वीडियो। ये एक्शन दोबारा रीटेक हो गया भाई। चलो हम आगे। ये हमारा भाई है, ये आजकल जिम कर रहा है बहुत तगड़ी, है भी फिजिक बना रहे भाई। गुटका खा रहा है ना? शाबाश बेटा। ओ भाई सच बोल रहा है भाई, सबसे बड़ी बात। कितने खा था? एक बस, एक दिन में तो भाई आज वर्कआउट करके मजा आ गया। आप भी आ जाओ, आप किसे शर्मा रहे हो? इनके जितना इतना मुश्किल काम दे दिया, बुला लिया मेरे को। इतना वर्कआउट कर लिया इसने, तान्या ने, इसके क्रैम्प आने स्टार्ट हो गए जब से ये बोल रही है क्रैम्प क्रैम्प क्रैम्प। हां भाई, और सबसे ज्यादा जल्दी भी इनको इतनी जाने की। कब चलना है? कब चलना है? लेट हो गए वुमेन। भाई अभी हम तीनों को ऑफ चल रहा है, तो हमने मजे मजे वर्कआउट किया। जब इंटेंस वर्कआउट होगा, तीनों फॉर्म में होंगे ना, जब सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों भाई? हाँ। आदि भाई की तो अभी आपसे पता नहीं क्या खा रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने गिरना ना पी रहा। हाँ गेनर खा रहे हो। राज बताओ यार, इतने तगड़े आप्स का कोर काफी, बॉडी ऐसी है मेरी, वरना ढलते ना ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ती में रहता है। राज बताओ भाई, आज बताना। मैं वो देसी वाली जो चीज है ना, वो किसी को नहीं बताओ। दो चीजों का राज बताना पड़ेगा, एक तो दाढ़ी का और एक आप्स का। इन दोनों का राज बताना पड़ेगा। तो चले फिर। हाँ चलते, बस चलते हैं। Let's go. Okay. So guys, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे वर्कआउट के ब्लॉग को खत्म करते हैं। अब चलेंगे अपने घर सीधा, सारे डाइट खाने। बाय बाय। जिम से बाहर निकल गए और हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी, क्योंकि हमने वर्कआउट किया है, तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा सा खा भी लिया जाए। तो हर वो गुरुजी के पास है ना, रिमूव लेगा हूं वेन्यू भाई। थार में देखना चाहिए। हां तो मैं चलवाऊंगा। मैं सुनो, थार भी लेकर आए, मैंने बहुत सोचा था। बताओ यार, गुरुजी के पास है थार, वो कह रहे मैं चलाऊं। मैं भी, मेरे को बोले सामने खड़ा हूं, सामने वेन्यू में खड़े। मैं कहां खड़े हो यार? बोला वेन्यू अच्छा ये है, यहां पे खड़े हैं। मैंने इंसान अपनी गाड़ियां हर एक चीज लेके रखते हैं दूसरों को। अभी तो लिए 1 महीना हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, हर किसी में इतना जिगरा ना होता, जिगरा नहीं होता, सही बात है। 20 लाख रुपए की गाड़ी। तो भाई अभी मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि दोबारा ट्रांसमिशन कर ली जाए। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को फैमिली व्लॉग्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या फिटनेस व्लॉग्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अब मैं आपसे हर चीज़ अपनी शेयर करने वाला हूँ कि मेरी ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ तक गई। इस बार मैंने थोड़ा सा अपनी बॉडी होल्ड करी है, आपने देखा भी होगा, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं गई। तो हल्की फुल्की मैं वर्कआउट कर रहा था, एंड मेरी जो डाइट भी थी वो ठीक ठाक चल रही थी। अभी जैसे कि मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने घर के खाने पर, एंड प्रोटीन में मैं सिर्फ प्रोटीन शेक ले रहा हूँ और थोड़े बहुत अंडे खा ले रहा हूँ। बाकी मैं प्रॉपर डाइट अगर आप चाहते हैं तो वो मैं बना दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। अभी अपन चलते हैं थोड़ा कुछ बढ़िया खाने। वो पीछे गाड़ी में आ रहे हैं और हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो चलते हैं। आ जाओ। भूख लग रही है बहुत तेज। भूख लग रही है यार, मतलब पेट में ऐसा लग रहा है चूहे कूद रहे हैं। जब वो है ना कि सुबह भी खाली पेट आ जाओ, थोड़ा बहुत कुछ खा के पेट से वर्कआउट करो और भूख लग। वो जो थोड़ा बहुत खाया होता है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। गया हूँ तो वेट कर रहे हैं, सारे बैठे हैं भूखों की तरह, आते टूट पड़ेंगे सारे। तो भाई अपना आ गया है सैंडविच। ये चिकन सैंडविच है क्या? ये चिकन सैंडविच है ना भाई, ने तो स्टार्ट भी कर दिया। अच्छा खा के देखते हैं। तो भाई आ गई है हमारी यहाँ पे, आपने शुगर नहीं डलवाई ना उसमें? यार मैं डाइट फॉलो करता हूं। शुगर डलवाई फुल सैंडविच के साथ खाएंगे आराम से। हम तो अच्छी चीज ही खाते हैं, शुगर डालते सेक्सी हो जाते हैं। बाद भाई काफी मजा आया भाई से मिलने। आपको तो कैसा लगा? देखो वर्कआउट कर गए, उसके बाद जो हम खाने गए ना भाई के कैफे पे, वहाँ मजा आ गया एकदम। नाम बताओ भाई का? कभी भी आना हो यहाँ पे, जरूर आना, मजा आया आपसे। सारी चीज बहुत मजेदार। और एक स्पेशल बात है बुक्स एंड बीन्स की, मैं बता देती हूँ, अगर डाइट वाले बंदे आ रहे हैं ना तो वो उनके अकॉर्डिंगली डाइट बना देते हैं। हाँ सबसे मेन चीज। तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, सारे निकलते हैं अपने घर के लिए।
और हाँ जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप सारे होम में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में, अब चलेंगे हम सीधा घर, उसके बाद वीडियो भी रेडी करनी है और भी बहुत सारे काम है।